एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा और मैं तो आज मैं आज एक और वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत रिक्वेस्ट आती है आप ही कोई वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम हमें बता दीजिए। तो आज जो है मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम का। और ये वाइटनिंग क्रीम नहीं है, सॉरी, ये है ब्राइटनिंग क्रीम, एक्टी वाइट स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, ब्राइटनेस लाइटनिंग एंड ल्यूमिनस ग्लो इवन स्किन टोन एंड टेक्सचर। ये है ब्यू वेल की, जो कि बिस लेबोरेटरीज का है। पहले हम इसकी बैक कैमरा से पैकेजिंग देख लेते हैं। तो पैकेजिंग आप इसकी देख लें बैक कैमरा से। आउटर पैकेजिंग के जो है मैंने पिक्चर साइड में इंसर्ट कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके कैसी है। ये ट्यूब है और क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा ना थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है, बस नॉर्मल सी, मतलब इजीली स्प्रेड हो जाती है फेस पे। मैं डेमो भी आप लोगों को आराम से दूंगी, देखिएगा आप आगे वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। तो आपने इसकी पैकेजिंग देखी, मैं इसका डेमो भी दूंगी, अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, ये पैकेजिंग बहुत छोटू सी है। ये कितने ग्राम की है, ये है इस पर कहाँ लिखा है, इस्लामाबाद की मैनुफैक्चर है ये, ठीक है। इस पर ग्राम तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, तो काफ़ी छोटी सी है। हाँ, ये रहा, ये 30 ग्राम की है, 30 ग्राम की ये पैकेजिंग है, 30 ग्राम की जो है ये है पैकेजिंग, ठीक है। इसमें मैं अगर आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँ तो इसके अंदर है आर्बुटिन है, लेकोरिस एक्सट्रैक्ट्स है, कोजिक एसिड है, और विटामिन सी है, विटामिन B5 है, विटामिन ए है, हाइलुरोनिक एसिड है, और इससे टाइल एलोकोहल है, सिट्रिक एसिड्स हैं, और बहुत सारे ही इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ किस तरह से करना है और इसके फ़ायदे बाकी हैं या नहीं। इस तरह से पे लिखा है कि स्किन ब्राइटनिंग क्रीम आर टेक्नोलॉजी एडवांस फॉर्मुलेशन दैट प्रोवाइड्स ट्रिपल एक्शन ऑन स्किन ब्राइटनिंग लाइटिंग एंड ग्लोइंग विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट स्किन लाइटिंग इंग्रेडिएंट्स और फ्लॉलेस और ब्राइटनिंग। बहुत कुछ इस पर क्लेम कर रहे हैं कि आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी, ब्राइटनिंग हो जाएगी, ल्यूमिनस ग्लो आपको नजर आएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि बाकी सब कुछ जो क्लेम करी उस पर पूरा उतरती है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है इससे वो ये हुई है कि क्रीम की पैकेजिंग आप देखें बहुत ही छोटी सी है, 30 ग्राम की ये ट्यूब है, और थोड़ा इनको जो जितने इसकी प्राइस उस हिसाब से थोड़ा सा इनको पैकेजिंग बड़ी रखनी चाहिए थी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि ये इसका मुझे बेनिफिट क्या मिला। तो देखें, ये इंग्रीडियंट्स के अंदर बहुत अच्छे हैं। क्रीम का तो मैं वैसे ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं जो हूँ ना सिरम लवर्स हूँ। अब मैं क्रीम्स इतनी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिरम्स यूज़ करती हूँ, चाहे वो वाइटनिंग के लिए हो चाहे ब्राइटनिंग के लिए हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया क्रीम की नस्बत सिरम जो है वो डीपली पेनिट्रेट होते हैं आपकी स्किन के अंदर। जिस तरह से क्रीम वर्क करती है ना, क्रीम फॉर एग्जांपल अगर क्रीम आपको 5 दिन में रिजल्ट दे रही है तो सिरम आपको 2 दिन में रिजल्ट देगा। इतना वो जो है फास्ट तरीके से काम करता है, मतलब डीपली पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन के अंदर जो है वो काम करता है, बनस्बत क्रीम के। ये थोड़ी थिक होती है, ये थोड़ा टाइम लेती है आपकी स्किन के अंदर तक जाने में, तो इसलिए मुझे जो है ना सीरम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बहुत सारे लोग क्रीम लगाना पसंद करते हैं, तो इस क्रीम के बारे में ये कहूँगी कि अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग अब चाहते हैं कि बिल्कुल बायोफिट वाला रिजल्ट मिले, तो बायोफिट वाला रिजल्ट तो अब तक तो मुझे किसी क्रीम में नहीं मिला है। बायोफिट के बाद अगर कोई कुछ क्रीम मुझे अच्छी लगी है तो मुझे जेल फार्म की अच्छी लगी, उससे आपको ब्राइटनिंग नज़र आती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको लगाते के साथ ही आपको फील होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है, थोड़ा सा ब्राइटन अप भी नज़र आ रहा है। और मतलब मैं ये कहूँगी अगर आपको ब्राइटनिंग चाहिए लाइटनिंग चाहिए तो आपको एक ट्यूब से तो नहीं मिलेगी, कम से कम आपको उसकी 2-3 ट्यूब्स यूज़ करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको फील होगा कि हाँ आपकी स्किन के अंदर ब्राइटनिंग आ रही है, लाइटनिंग आ रही है या ग्लो आ रहा है। तो मुझे इस वजह से क्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आती। और इसकी बात करें तो मैंने आपको बता दिया कम से कम आपको 2-3 ट्यूब्स की यूज़ करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा कि आपको लगेगा कि भाई स्किन मेरी ब्राइटन अप हो रही है। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए स्किन ब्राइटनिंग के लिए व्हाइटनिंग के लिए तो और भी सिरम्स आते हैं जो आप स्किन केयर अच्छी करो अपनी, ठीक है, अपना ग्लाइकोलिक एसिड इंक्लूड करो, ब्राइटनिंग सीरम्स इंक्लूड करो, विटामिन सीरम विटामिन सी इंक्लूड करो, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स अगर आप इंक्लूड करते हो अपने स्किन के अंदर तो व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग ग्लोइंग हर चीज़ आपको मिल जाएगी, किसी क्रीम की आपको नीड नहीं रहेगी। बाकी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसको 2-3 ट्यूब यूज़ करते हो तब जाके आपको उसको थोड़ा बहुत रिजल्ट नज़र आएगा। ओवरऑल मुझे तो इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई ये क्रीम, और पैसे तो उसके और भी ज़्यादा है, 30 ग्राम की छोटी सी ट्यूब है। बाकी लिंक तो क्या देना इसका, ज़ाहिर है जब मुझे नहीं लगता कि लोग इसको परचेस करेंगे, बाकी अगर आपने करना तो आपकी मर्ज़ी है, बिस लेबोरेटरीज की है।
लेना हो ना लेना हो ये आपकी मर्जी, मैं हमेशा यही कहती हूँ। बाकी चीज़ अच्छी होती है बुरी होती है जैसी भी होती है, मैं उसका यूज़ करती हूँ, एक्सपीरियंस लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको ऑनेस्टी के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मुझे ये क्रीम इतनी को खास पसंद नहीं आई। इसका मुझे स्किन बूस्ट सिरम और स्किन वाइटनिंग सिरम, मुझे इसके दो सिरम बहुत पसंद आए। बाकी ये क्रीम और इसका जो एक्टिव वाइट फेस वॉश है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसका मुझे आई क्रीम बहुत पसंद आई है। वैसे जितनी सच्चाई मैंने इस क्रीम के बारे में आपको बता दी है तो डेमो का तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जाहिर है एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ती है। तो डेमो भी इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से अप्लाई कर रही थी। मैं इजीली स्प्रेड हो जाती है, कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि इसको रगड़ना पड़ेगा एब्जॉर्ब करने के लिए, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसको लगाने के बाद एकदम इंस्टेंटली जो है ना स्किन आपकी सॉफ्ट स्मूथ लगती है, सपल लगती है। लेकिन यहाँ हमें वाइटनिंग ब्राइटनिंग की बात करनी है। वैसे ये वाइटनिंग क्रीम नहीं है, ब्राइटनिंग क्रीम है, लेकिन इसमें कोजिक एसिड है और एल्फोरबोटिन है, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट है, तो वो वाइटनिंग भी कहीं ना कहीं देते हैं। लेकिन इस क्रीम का मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट आपने 3-4-5 क्रीम ट्यूब यूज़ करोगे तो ही आपको इसका रिजल्ट देखने में नज़र आएगा। लेकिन वैसे अगर आप देखो स्मूथ सॉफ्टनेस तो आपको मिलेगी इसको लगाने के बाद। फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत लाइट सी, प्यारी सी, माइल्ड सी है, और काफ़ी स्टिकी भी नहीं है, अच्छी लगती है फेस पे लगने के बाद। लेकिन ज़ाहिर है हमें अगर इतने पैसे दे रहे हैं, मैं इसका जो बिल है वो भी यहाँ अटैच कर दूँगी, तो इतने पैसों में अगर आप 4-5 ट्यूब लोगे, एक क्रीम आपको 1400 की पड़ रही है, तो मेरे ख्याल से तो ये वर्थ बाइंग नहीं है। ठीक है ना, या तो ये हो गया कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो या फ़ौरन ही वर्क करे तो भी समझ में आता है। तो खैर चले आगे देख लेते हैं वीडियो में। जो चीज़ें मुझे इसकी पसंद आई हैं मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जो चीज़ें नहीं पसंद आई मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब आपके ऊपर आपको लेना है नहीं लेना है, खुद भी एक्सपीरियंस करना है तो करें, आपकी मर्जी है। बाकी ये है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो चीज़ यूज़ करूँ उसको बता दूँ ताकि आप लोगों के पैसे बच सके, पैसे वेस्ट ना हो। तो ये था आज का मेरा छोटा सा रिव्यू एक्टिव वाइट क्रीम के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।